नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मंगलवार 23 फरवरी। कल के सेशन की अगर बात करें तो कल के सेशन में कॉटन में हमने करीबन 0.5% की तेजी आते हुए देखी फ्रेश बाइंग के चलते। वहीं कपास में भी हमने तेजी बनते हुए देखी फ्रेश बाइंग के चलते और प्राइजेस 1250 का लेवल टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। बट कॉटन सीड ऑयल की अगर बात करें तो दो दिन की बड़ी तेजी के बाद कल हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा और प्राइजेस 1.5% की गिरावट के साथ करीबन 2290 के नीचे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। फंडामेंटल साइड हमने देखा कोई मेजर चेंजेस नहीं है। जीजन से यूएसडी की लेटेस्ट रिपोर्ट का प्रोजेक्शन आया है जहां कॉटन मिल यूसेज 2021 में करीबन 117.2 मिलियन बेल्स बताया है, जो पिछले साल के मुकाबले 14% ऊपर है। ये कहीं ना कहीं एक कंजम्पशन को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि इंडिया का जो प्रोडक्शन है यूएसडी ने घटाया है 5 लाख बेल से, जिसके चलते प्राइजेस में तेजी है और कॉटन के प्राइजेस करीबन 22,000 का लेवल ऑलमोस्ट छू चुका है। सीसीआई ने भी परचेजिंग में करीबन 91.8 लाख बेल्स की ऑलमोस्ट बाइंग कर चुके हैं, जिसके वजह से भी सेंटिमेंट पॉजिटिव। नो डाउट हायर लेवल्स पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ड्यू रहना चाहिए। तो कल के सेशन में हमने कॉटन सीड ऑयल के अंदर एक पुलबैक भी आते हुए देखा। जबकि आज के अगर सेशन की बात करें तो आज यूएस कॉटन आइस कॉटन की अगर बात करें तो प्राइजेस हायर साइड में 92 सेंट का लेवल दिखा चुका है ऑलरेडी और सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिव। जिजन से चाइना मार्केट भी ओपन अप हो चुका है और यहाँ पे भी हमने देखा है करीबन कॉटन यहाँ ने 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है और कॉटन के भाव में भी ऑलमोस्ट हमने 16,000 का लेवल भी टेस्ट करते हुए दिखा है। तो इन ऑल सेंटिमेंट तो पॉजिटिव है, बट टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट होने की वजह से मार्केट में थोड़ा पुल बैक आता हुआ दिख सकता है। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्निकली अगर हम बात करें वाइस कॉटन ने जिस ढंग से 92 सेंट का लेवल तोड़ा है वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि 95 सेंट तक का लेवल दिखा देगा। आरएसआई पॉजिटिव जोन में है, वॉलिटिटी दिखा रहा है कि और कंटिन्यू रहेगी, मैकडी पॉजिटिव में है, एचटीसी पॉजिटिव में, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है हमें बाइंग करके ही चलना है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में कल की गिरावट दिखाई जरूर दी, 50-day मूविंग एवरेज में प्राइजेस इस वक्त होल्ड कर रहा है और इचिमिको क्लाउड भी पॉजिटिव जोन में है। आरएसआई ने नो डाउट 48 का लेवल तोड़ा जरूर है बट फंडामेंटल सपोर्ट काफी मजबूत है। आई थिंक दिन के सेशन में मार्केट लोअर साइड में 2270 2275 का लेवल दिखा दे, बट एंड ऑफ द डे तक मार्केट फिर से रिकवर करेगा। 2300 का लेवल तोड़ने पे 2320 से लेकर 2356 तक का लेवल कल देखने मिल जाएगा। ट्रेंड पॉजिटिव है, बिकवाली से बचे, बाय ऑन ड्रॉप शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर कॉटन सीड ऑयल के। धन्यवाद।